हाल ही में भारत ने अपने स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की सफलतापूर्वक ऑटोनोमस टेकऑफ और लैंडिंग टेस्ट को कंडक्ट किया और ये टेस्ट पूरी तरह सफल भी रहा। इस टेस्टिंग में विमान को टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान इंसान कंट्रोल नहीं कर रहे थे, ये अपने आप ही सारा कार्य कर रहा था। इस सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद इस अटैक विमान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसे DRDO के ADE यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया जा रहा है। पहले इसे AURA ऑरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे घातक UCAV के नाम से जाना जाएगा। इस विमान की कई डिटेल को अभी क्लासिफाइड ही रखा गया है। इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक जुलाई 2022 को इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई। बताया जा रहा है कि घातक UCAV में इनर वेपन बे रहेगा, जो कि मिसाइल्स, गाइडेड म्यूनिशंस, बॉम्ब को कैरी करेगा। इस तरह का इनर वेपन बे स्टेल्थ विमानों में मौजूद होता है, जैसे कि F-22, F-35 और Su-57 में भी इसी तरह का इनर वेपन बे मौजूद है। 1 जुलाई को जिस विमान की टेस्टिंग की गई वो घातक UCAV का एक छोटा रूप था, जिसे स्विफ्ट UAV के नाम से जाना जाता है। ये डिमोन्स्ट्रेटर विमान 4 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है और इसका वजन है 1 टन। घातक UAV का फुल वर्किंग प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसे बनाने के लिए कई सारे टेक्नोलॉजी फर्म्स ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। फुल प्रोडक्शन के बाद ये दुनिया का सबसे ताकतवर और स्टेल्थी कॉम्बैट ड्रोन होगा, जो कई तरह के मिशंस को अंजाम देने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को रखता है। इसमें ऑन बोर्ड मिशन कंप्यूटर्स, डाटा लिंक्स, फायर कंट्रोल रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे कई सारी आधुनिक खूबी होगी और ये 9.1 किलोमीटर की ऊंचाई पे भी आसानी से चुपके से उड़ पाने में सक्षम होगा। इस प्लेन का डिजाइन काफी ज्यादा स्टेल्थी है और ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर के फ्लाइंग विंग कंसेप्ट पे बेस्ड है। हाल के युद्धों से पता चल रहा है कि इस तरह के एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल भविष्य में बहुत तेजी से होने वाला है। इस तरह के ताकतवर स्टेल्थी कॉम्बैट ड्रोन भविष्य में युद्ध की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह के स्टेल्थ ड्रोन को बनाने के प्रोजेक्ट पे तेजी से काम कर रहा है। आपको ये ड्रोन और ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।